अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लगाई गई आईटीबीपी की 8वीं बटालियन के जवानों को उधमपुर के देविका तट पर ठहराया गया था। आज शनिवार को दोपहर के समय अचानक जवानों की बैरक में गोली चली, जिसमें 3 जवान घायल और 1 जवान की मौत बताई जा रही है। तो वहीं उधमपुर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर आईटीबीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 8वीं बटालियन के एक कांस्टेबल ने फायरिंग कर दी, जिसमें उसके 3 साथी घायल हो गए। बाद में उसने खुद को गोली मार ली। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह सुरक्षित हैं। तो वहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए हैं। जो जेट है उसने पहले इंजन पर फायरिंग की है, उसके बाद सर यहाँ देश के अंदर सभी पहुँचे, इसमें सभी हाँ जी एक 2 जख्मी 1 डेड है। जो डेड है उसने पहले इंजन पर फायरिंग की है, उसके बाद आईटीबीपी है सर। यूरोप की हो जा राजनीति की हम रखेंगे आपको हर लम्हा से बाखबर और आपके लिए हर खबर पर हम रखते हैं नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच के साथ। देखिए हिंदी समाचार बुलेटिन सोमवार से शनिवार रात 9 बजे जम्मू लद्दाख विजन और लद्दाख की ताकत।